न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। क्या है ये चैप्टर? जो प्रीवियस चैप्टर हमने किया उसी का कॉन्टिन्यूशन है। लेवरेज हमने पहले हमने किया उसी के कॉन्टिन्यूशन में ये चैप्टर है। इसके अंदर कुछ बातें हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर एक जो पॉइंट हमें निकालना पड़ सकता है वो है ब्रेक इवन पॉइंट, उसको डिस्कस करते हैं। दूसरा, इसके अंदर हमें एक इनडिफरेंस पॉइंट निकालना पड़ सकता है। तीसरा, इसमें ईपीएस, तीन चीज़ें सिर्फ इस चैप्टर में पूछी जा सकती हैं। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, नंबर टू इनडिफरेंस पॉइंट, और नंबर थ्री अर्निंग पर शेयर। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पे भी आपसे पूछा जाए वहाँ पर उस सिचुएशन को बोला जाता है जहाँ पर कोई भी आपको ना प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हो, मतलब बॉर्डर एरिया। बॉर्डर एरिया अगर इस बॉर्डर के ऊपर रहे तो प्रॉफिट आएगा, और उसके नीचे गए तो क्या हो जाएगा, लॉस आ जाएगा। जब तक आप इस बॉर्डर पे खड़े हैं तब तक आपको नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो ये जो बॉर्डर लाइन होती है ना, इसी को बोलते हैं, कौन सी लाइन है ये? ब्रेक इवन पॉइंट। इसके ऊपर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, इसके नीचे लॉस ही लॉस है, लेकिन इस लाइन के ऊपर, इस स्टेज के ऊपर आपको कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस नहीं है। अच्छा, अगर आपको प्रॉफिट लॉस नहीं है तो बताओगे इस समय आपकी अर्निंग पर शेयर इक्वल टू क्या होगी? अगर आपको कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा तो जो हर शेयर के ऊपर प्रॉफिट मिलेगा, जो शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलेगा वो कितना प्रॉफिट होगा? जीरो होगा। अर्निंग पर शेयर विल बी जीरो, किसी किस्म का कोई भी प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, नुकसान भी नहीं होगा, प्रॉफिट भी नहीं होगा, तो ईपीएस भी हमारी क्या हो जाएगी? जीरो। तो हमें देखना है कि कब हमारी ये ईपीएस जीरो आएगी। रियलिटी में यहां पर ईबीआईटी ईबीआईटी स्टेप कितना होना चाहिए फॉर ईपीएस इक्वल टू जीरो, ये आपको फाइंड आउट करना होगा। इसी को हम बोलेंगे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। रियलिटी में अपने जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, एक तो सबसे पहले हमारी क्या होती है? सेल्स होती है। सेल्स में से हमें सबसे पहले बिजनेस मैनेजमेंट के एक्सपेंस सब्ट्रैक्ट करने होते हैं, जिसमें दो तरह के खर्चे होते हैं, एक जो वेरिएबल है जो काम के हिसाब से घटते बढ़ते हैं, दूसरा जो फिक्स है। तो सेल्स में से माइनस कर देते हैं कौन से खर्चे सबसे पहले? वेरिएबल एक्सपेंसेस। अगर वेरिएबल एक्सपेंस माइनस कर दे तो क्या बचेगा हमारे पास? हमें बचेगा कॉन्ट्रीब्यूशन, ये बचता है कॉन्ट्रीब्यूशन। हम जब ऑपरेटिंग लेवरेज निकालते थे तो इसी की जरूरत पड़ती थी। अच्छा, कंट्रीब्यूशन के बाद फिर क्या माइनस करते हैं हम इसके अंदर? अपने फिक्स कॉस्ट, जो हमारे ऑफिस के और बिजनेस के फिक्स एक्सपेंस है, उनको माइनस करते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिक्स एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो हमारे पास बच जाता है वो क्या बच जाता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फाइनेंशियल लेवरेज के लिए इसी को उठाया जाता था, फाइनेंशियल लेवरेज के लिए इसी को उठाया जाता था, और उसमें से क्या माइनस करते थे? इंटरेस्ट माइनस कर देते थे। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद क्या रहता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद आप क्या माइनस करते हैं? उसके बाद आप टैक्स माइनस करते हैं। उसके बाद जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें हमने निकाला था कि ये क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, जिससे कि अर्निंग पर शेयर निकाली जाती है। लेकिन अगर कंपनी में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो तो इक्विटी शेयर की अर्निंग का सवाल उठता है। फिर अर्निंग पर शेयर नहीं बल्कि किसका सवाल उठता है? अर्निंग ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ऐसी सिचुएशन में आपको एक चीज फिर और माइनस करनी पड़ सकती है, अगर प्रेफरेंस शेयर है ओनली देन, वरना तो इसी से अर्निंग पर शेयर निकल जाएगी। तब क्या माइनस करना पड़ेगा? प्रेफरेंस डिविडेंड। और प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद जो बचेगा वो बचेगा प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये बचेगा प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और इसी को अगर आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ शेयर से, इक्विटी शेयर से, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ईपीएस, ये बन जाएगा ईपीएस। इसका मतलब ईपीएस जो रियलिटी में है वो इस वाले प्रॉफिट से निकलेगा, ये वाला प्रॉफिट है वो ईपीएस में कन्वर्ट होगा। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो पीएटी ही ईपीएस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि तब ये प्रेफरेंस डिविडेंड जीरो होगा। तो ये वाली फिगर और ये वाली फिगर सेम हो जाएगी, वरना फिर प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद जो बचेगा वो ईपीएस में कन्वर्ट हो पाएगा। क्लियर है? अब ये जो चैप्टर है वो हमसे पूछेगा कि बताइए हमारी फाइनेंशियल बीईपी क्या है। फाइनेंशियल बीईपी क्या है? फाइनेंशियल बीईपी का मतलब है बिजनेस के सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंस खत्म हो जाए उसके बाद कितना प्रॉफिट हमारे पास इकट्ठा होना चाहिए जिससे कि ईपीएस विल बी इक्वल टू जीरो। कब आएगा आपके पास बीपी? जब आपकी ईपीएस क्या आ जाए? जीरो। यहां पे जो फिगर है वो कितनी आ जाए? जीरो।
तो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। आपको बताना है कि यहां पर कितना अमाउंट होना चाहिए, बिजनेस के सभी ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटने के बाद यहां पे अमाउंट कितना होना चाहिए, ईबीआईटी कितनी होनी चाहिए, जिससे कि आपका ये जो पार्ट है जो आपकी ईपीएस है वो कितनी आ जाए, जीरो आ जाए। तो किस बात पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। अगर मैं कहूं कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करूं, तो सबसे पहला हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, पहला कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा हो सकता है ईपीएस, इफ ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी है हमारी, ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी, मतलब उसमें हमने किसी से कोई लोन लिया ही नहीं। हमारे पास सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या हो सकते हैं, नंबर वन इक्विटी शेयर कैपिटल तो हो गई होगा, नंबर टू हम लोन ले सकते हैं, नंबर थ्री हम प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकते हैं, नंबर फोर हम रिजर्व का यूज कर सकते हैं। पहली बात, रिजर्व तो कोई सिक्योरिटी फॉर्मेट में होता ही नहीं है, रिजर्व का पैसा भी किसका पैसा होता है, इक्विटी शेयर का पैसा होता है, नंबर ऑफ शेयर इक्विटी के चेंज नहीं होते रिजर्व करने से भी। तो आपके पास तीन मेजर सोर्स हो सकते हैं, क्या, नंबर वन इक्विटी शेयर कैपिटल, नंबर टू लोन या डिबेंचर्स, नंबर थ्री प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नंबर फोर रिजर्व हो सकता है, लेकिन रिजर्व इज पार्ट ऑफ द इक्विटी, रिजर्व तो इक्विटी शेयर कैपिटल का ही पार्ट होता है एक तरह से, ठीक है जी। तो अगर मेरे पास सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल है, भले ही रिजर्व हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजर्व तो कोई हमारे को इंपैक्ट नहीं आता, कोई रिजर्व इकट्ठा करने से भी नंबर ऑफ शेयर नहीं बदलते। बताइए अगर ये सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो यहां पे जो फिगर होगी उसमें से इंटरेस्ट मुझे कितना देना होगा, लोन लिया ही नहीं, जीरो है। अच्छा, जीरो इंटरेस्ट, तो पीबीटी मेरे को कितनी होगी मेरी, मेरे को जीरो चाहिए, यहां पे जीरो चाहिए, इंटरेस्ट जीरो है, डिविडेंड भी जीरो होगा। अब यहां पे जीरो आने के लिए मेरे को यहां पे जीरो बैलेंस ही चाहिए, क्योंकि जीरो डिविडेंड, तो यहां पे जीरो होगी तो बात बन जाएगी। अच्छा, टैक्स कितना देना पड़ेगा, अगर मेरे को जीरो है तो जीरो ही टैक्स देना पड़ेगा, और जीरो मेरी पीबीटी होनी चाहिए और जीरो मेरा ही होना चाहिए, मतलब अगर मेरी ईबीआईटी इक्वल टू जीरो है तो मेरा इक्विटी जो डिविडेंड है वो भी जीरो ही होगा, क्योंकि जीरो इनकम कमाई, जीरो इंटरेस्ट है, जीरो पीबीटी है, जीरो पीबीटी पे टैक्स भी कितना जाएगा, जीरो ही जाएगा, जीरो टैक्स है तो इसका मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं, वो भी जीरो है, तो मेरी ईपीएस क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। इसका मतलब अगर मेरी कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल है, सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो जीरो ईबीआईटी पे मैं कहां पे पहुंच जाऊंगा, बी पे पहुंचा। अगर मेरी ईबीआईटी जीरो है तो मेरा ईपीएस भी क्या होगा, जीरो ही होगा, क्लियर है। अब टाइप चेंज करते हैं, अगर मेरे पास इफ डेट एंड इक्विटी कंपनी है, इफ डेट एंड इक्विटी मतलब मैंने कुछ लोन लिया हुआ है, तो सीधी सी बात है, लोन लूंगा तो जो लोन लूंगा उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और मैं कहता हूं कि से मैंने 500 रुपए का इंटरेस्ट दिया, तो ध्यान रखना 500 रुपए इंटरेस्ट देने के बाद मुझे जीरो चाहिए, क्योंकि उसके आगे तो जीरो जीरो चल जाएगा, लेकिन 500 रुपए देने के लिए तो मुझे ईबीआईटी चाहिए ना, अगर मैं 500 रुपए कमाने इंटरेस्ट देने लायक ईबीआईटी नहीं कमाऊंगा तो ये दूंगा कैसे। इसका मतलब इस समय मेरी ईबीआईटी को कम से कम कितना होना जरूरी है, 500 रुपए होना चाहिए, 500 रुपए अगर मेरी ईबीआईटी होगी तो मैं 500 रुपए का इंटरेस्ट दे दूंगा, इंटरेस्ट दे दूंगा 500 रुपए, पीबीटी जीरो हो जाएगी, आगे तो सारा जीरो जीरो है। इसका मतलब अगर मैंने डेट ले रखा है तो मेरी उस समय ईबीआईटी किसके बराबर होनी जरूरी है, ईबीआईटी मिनिमम इक्वल टू इंटरेस्ट होने के, इंटरेस्ट के बराबर जरूर होनी चाहिए, जितना मैंने इंटरेस्ट देना है उतनी अगर ईबीआईटी मैंने अचीव कर ली तो मैं कहूंगा कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट 1500 रुपये कर दूं तो मेरे को ईबीआईटी कम से कम 1500 रुपये कमाने पड़ेंगे, और अगर मैं यहाँ पे 2500 कर दूं तो मेरे को ईबीआईटी कम से कम 2500 कमानी पड़ेगी ताकि मेरा ईपीएस जीरो रह जाए। अगर मैंने 400 कमाया तो -100 पे पहुंच जाऊंगा, क्लियर बात समझ में आ गई। तीसरा तीसरा टाइप क्या हो सकता है, इफ प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी कंपनी, ये भी तो हो सकता है, मैंने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हुए, लोन नहीं लिखा, लोन नहीं लिया तो इंटरेस्ट कितना होगा, जीरो होगा, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड तो मेरे को होगा ना, अब अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो कुछ ना कुछ प्रेफरेंस डिविडेंड तो देना पड़ेगा। मैं मान लेता हूं कि से मैंने 300 रुपये प्रेफरेंस डिविडेंड के दे दिए, तो प्रेफरेंस डिविडेंड देने के लिए कम से कम पीएटी मेरे पास 300 तो होना जरूरी ना, जब 300 रुपए होंगे नहीं तो मैं प्रेफरेंस डिविडेंड के 300 कैसे दूंगा।
खास बात ये 300 रुपये टैक्स देने के बाद बचने जरूरी है। और अगर मैं कहता हूँ मेरा टैक्स का रेट 40% है, तो यहाँ पे 40% देने के बाद मेरे पास जो है कितना बचना चाहिए, 300, मतलब 40% देने के बाद जो मेरे पास बचेगा, 60% इनकम जो बचेगी वो मेरी कम से कम 300 होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं 100% कमाऊंगा तो 40% टैक्स दूंगा। टैक्स भरने के लिए फिर मुझे पैसा चाहिए, कैसे निकलेगा टैक्स? आपको कहे सर 300 जो है ये जितने परसेंट है उससे डिवाइड करेंगे, कितना है ये 60, और 40% टैक्स भी है। तो यहाँ पे आपको टैक्स भरने के लिए कितना चाहिए, 200 रुपये टैक्स भरने के लिए चाहिए, 300 रुपये डिविडेंड देने के लिए चाहिए। तो यहाँ पर आके मेरे को पीबीटी कितना चाहिए, कम से कम 500 रुपये नहीं कमाने पड़ेंगे क्या? अगर मैं 500 रुपये नहीं कमाऊंगा तो कैसे मैं 200 रुपये का टैक्स दूंगा, और 200 रुपये टैक्स देने के बाद 300 रुपये फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दूंगा। हाँ, ब्याज यहाँ पे नहीं देना। तो मतलब मेरी ईबीआईटी अब कितनी होनी चाहिए, 500 रुपये तो ईबीआईटी होनी चाहिए। कैसे पता चलेगा फिर हमारा ईबीआईटी? ईबीआईटी आपकी कम से कम कितनी होनी चाहिए, जो आपने प्रेफरेंस डिविडेंड देना है उसमें टैक्स का अमाउंट भी ऐड करना पड़ेगा। जिसको मैं सिंपलीफाई लैंग्वेज में बोलूँ तो उसको क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस टैक्स रेट से अगर डिवाइड कर दूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। कैसे, इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अब इसको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। ये जो फिगर है डायरेक्ट ही निकाली जा सकती थी, ये वाली फिगर। कैसे, आप 300 डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट कितना था, 40%, 0.4 कर दो तो डायरेक्ट ही 500 रुपये आ जाएगा। डायरेक्ट ही क्या आ जाएगा, 500 रुपये। क्लियर है? लास्ट कौन सी टाइप हो सकती है जिसमें डेट भी हो, इक्विटी भी हो और प्रेफरेंस भी हो? इफ हमारे पास क्या क्या है, डेट है और प्रेफरेंस शेयर है एंड इक्विटी भी है, ये तीनों चीजें इन्वॉल्व है। ये सेम एग्जांपल लेकर चलूं तो अभी मैंने यहां तक 500 रुपये की कमाई तो निकाल ही लिया कि पीबीटी कितना होना चाहिए, 500 रुपये। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो 500 रुपये, क्योंकि इंटरेस्ट जीरो था, मैं ज्यादा को नहीं, इंटरेस्ट भी है। मैं कहता हूँ कि से इसमें मेरे को 300 रुपये इंटरेस्ट के भी देने हैं या 400 रुपये इंटरेस्ट के भी देने हैं, तो क्या वो 400 रुपये फालतू तो नहीं होने चाहिए? 500 थे, अब 400 रुपये ये भी भरने, तो यहाँ पे आके कितना हो जाएगा, यहाँ पर 400 रुपये भरने के बाद 500 बचने चाहिए, तो यहाँ पे कितने होने चाहिए, यहाँ पे तो 900 होने चाहिए। 400 रुपये एक्स्ट्रा कमाने पड़ेंगे क्योंकि 400 का ब्याज भी तो भरना है। पहले सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड था, प्रेफरेंस डिविडेंड तो डिविडेंड और टैक्स दो चीज़ें भरने के लिए पैसा कमाना जरूरी है। अब इंटरेस्ट आया तो इंटरेस्ट को भी कमाने के लिए और एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना जरूरी है। तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, अब ईबीआईटी क्या होनी चाहिए आपकी? सबसे पहले तो इंटरेस्ट कमाएंगे प्लस प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड को देने के लिए पूरा का पूरा स्टेप रहेगा। क्या होगा फिर, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है, अगर आप ये स्टेप करेंगे किसी क्वेश्चन में तो आपको पता चल जाएगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट कितना है। इंटरेस्ट का अमाउंट, ठीक है, ये इंटरेस्ट का अमाउंट है, और प्लस क्या करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड और उसका टैक्स भरने के लिए टैक्स का, और ये जो टोटल ऐड करेंगे वो क्या हो जाएगी, हमारी फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर है? नोट करें, फिर आगे की बात करते हैं।